राम राम सभी को। रूबी किचन एंड ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी पकौड़ा, पकौड़े वाली कड़ी। मतलब इसमें मैंने लिया है छाछ, जिसे गांव में मट्ठा भी बोलते हैं, गांव के स्टाइल से ही बना रही हूँ। तो इसमें हम बेसन डाल देंगे आवश्यकता अनुसार और उसे अच्छे से घोलेंगे। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच बेसन डाला हुआ है और इसे हम अच्छे से घोल लेते हैं। जब ये घुल जाएगा तभी हम गैस चालू करेंगे, इससे पहले गैस चालू नहीं करेंगे, नहीं तो लम्स पड़ जाते हैं। अच्छे से घोल लेते हैं। नहीं दोस्तों, बेसन घुल गया है, अब हम गैस ऑन कर देंगे। इसमें उबाल आने तक इसे हम चलाते ही रहेंगे, वरना बेसन नीचे जम जाएगा और फटाफटा सा हो जाएगा। जब तक उबाल नहीं आ जाता तब तक हम इसे चलाते ही रहेंगे उबाल आने तक। ये देखिए दोस्तों, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। इसी स्टेज पे हम डालेंगे इसमें मसाले, जिसमें हम डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची, 1/2 चम्मच गरम मसाला। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। इसके अलावा कोई मसाला डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से अब इसे मिला लीजिए और उबलने दीजिए। जितना ये उबलेगी उतना ही इसमें टेस्ट बढ़ेगा। इसमें कोई तामझाम नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी भी बनती है। तब तक ये उबल रही है तब तक हम पकौड़े बनाने के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने बेसन लिया हुआ है। इसमें हम थोड़े थोड़े मसाले और डाल लेंगे। इसमें अभी हल्का सा गर्म मसाला, हल्का सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्ची और थोड़ा सा नमक। इसमें हम थोड़ा सा जीरा और डालेंगे, जीरे से सही रहता है पकौड़ियों में। और इसमें लहसुन प्याज डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही एक बार बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसे हम इसका भी बैटर तैयार कर लेते हैं। आवश्यकता अनुसार पानी डालते जाएंगे और अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। देखिए दोस्तों, बैटर बन चुका है, जो कि ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। इसके बहुत ही फ्लफी से पकौड़े बनकर तैयार होंगे, अब देखिएगा। अभी मैं सेक रही हूँ पकौड़ी। सेकने के लिए मैंने गैस पर पैन चढ़ाया हुआ है, जिसमें तेल भी डाल दिया है। अब हम इसमें पकौड़ियाँ सेकेंगे, अब देखिए। इसी तरीके से हम सारी पकौड़ियों को डाल के सेकते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, मैंने सारी पकौड़ियों को इसमें डाल लिया है। अब हमने सेकने तक सेक लेंगे, मतलब थोड़ा सा ब्राउन होने तक सेकेंगे, ऐसे उलट पलट करके, देखते रहिएगा आप। ये देखिए दोस्तों, मेरी पकौड़ियाँ सेक करके तैयार हैं। अब मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। मैंने पकौड़ियों को प्लेट में निकाल लिया है। अब सबसे मेन चीज़ की बारी आती है कड़ी में तड़का लगाने की। अब अगर वो अच्छा लग जाए तो कड़ी का स्वाद ही बढ़ जाता है। अब आप देखते रहिए कि मैं तड़का कैसे लगाती हूँ। तड़के के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा राई, मेथी दाना, थोड़ा सा जीरा, हींग लिया हुआ है मैंने थोड़ा सा। हींग दोस्तों ज़रूर डाल लें, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसके लिए मैंने लिया है तड़का पैन, जिसमें मैंने ऑयल डाल लिया है, सरसों का तेल लिया है मैंने। अब इसे गर्म होने देंगे, फिर हम इन्हें इसमें डालेंगे। जो मैंने पकौड़ी सेक के रखी हैं वो मैं
कढ़ी में डाल दूंगी। ये देखिए दोस्तों, वैसे भी कढ़ी काफ़ी अच्छी बनकर तैयार हुई है, तड़के से तो टेस्टी और बढ़ जाएगा। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी और डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। उसके ऊपर ही हम तड़का डालेंगे, जिससे कस्तूरी मेथी भी आसानी से भुन जाएगी। अगर हम इस कस्तूरी मेथी को तड़का पैन में डालते तो जल जाती, इसलिए हमने इसे ऊपर से ही डाला है, और फ्लेवर ना उभर के आएगा कस्तूरी मेथी का। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमें जो हमने ये लिए हुए हैं मसाले, अब हम इन्हें इसमें डाल देंगे। तड़का हमारा चटक चुका है, अब हम इन्हें डालेंगे कढ़ी में। आप देखिएगा कितनी टेस्टी कढ़ी बनकर तैयार हुई है। हम ढक देंगे। ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया कढ़ी बनकर तैयार हुआ है। आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे ना तो दूसरी कढ़ियां बनाना भूल जाएंगे। आप प्लीज़ एक बार इस तरीके से बनाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी बनी है। और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।